हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग उत्पादन चैप्टर में पढ़ेंगे उत्पादन फलन प्रोडक्शन फंक्शन। तो हम पहले भी फंक्शन के बारे में बताए हैं। फंक्शन में दो वेरिएबल होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां देखना है किस तरह का बात होगा। तो कहता है किसी वस्तु के उत्पादन और उसके उत्पादन के साधनों के बीच के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। अर्थात पहले समझना होगा उत्पादन मतलब जो उत्पादित वस्तु की मात्रा है, और वो तो किसी वस्तु से बन के आया है तो उसको बोलते हैं उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन यानी जिससे उत्पादन होगा उसका नाम है उत्पादन के साधन। यानी एक तरफ उत्पादन और एक तरफ उत्पादन के साधन के बीच के रिलेशन फंक्शन को प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु के उत्पादन और उसके उत्पादन के साधनों के बीच के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। देखिए गणित रूप में, यानी ये क्यू एक्स है, एक्स वस्तु का उत्पादन फंक्शन हो जाएगा। ए बी सी डी, एबीसीडी मतलब क्या है, उत्पादन के साधन, और ये क्यू एक्स क्या है, एक्स वस्तु का उत्पादन। ठीक है, दोनों के बीच के जो यहां फंक्शन लगा हुआ है इसी का नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। ए बी सी डी मतलब है उत्पादन के साधन, कुछ फिक्स है कुछ वेरिएबल है। फिक्स कौन कौन है, भूमि, बिल्डिंग, मशीन। वेरिएबल कौन है, पूंजी, लेबर, कच्चे माल, ये सब वेरिएबल है। तो कहता है उत्पादन फलन हमको क्या बताएगा, तो उत्पादन फलन हमें यह बताता है कि एक निश्चित समय में उत्पादन के साधनों का प्रयोग करने से उत्पादन में कितना और किस दिशा में चेंज होगा, मतलब किस प्रकार चेंज होगा, कितना मात्रा में चेंज होगा, कौन उत्पादन किसके चलते, उत्पादन के साधनों के चलते, यह हमें कौन बताता है, उत्पादन फलन बताता है। अर्थात उत्पादन फलन हमें इस बात का संकेत करता है कि एक निश्चित समय में उत्पादन के साधन का यूज करने से वस्तु के उत्पादन में किस प्रकार और कितना मात्रा में चेंज होगा, यह हमको उत्पादन फलन बताएगा। यानी उत्पादन के साधनों का प्रयोग मात्रा बढ़ाएंगे उत्पादन बढ़ेगा, घटाएंगे तो उत्पादन घटेगा। फिर कहता है उत्पादन फलन दो प्रकार का होता है, अल्पकालीन उत्पादन फलन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन क्या है, शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। कहता है कि अल्पकाल मतलब समय कम है, बोलता है कि अल्पकाल में समय कम होने के चलते उत्पादन के सभी साधनों को चेंज कर पाना संभव नहीं होता। बोलिए उत्पादन के साधन दो तरह का, फिक्स और वेरिएबल, तो क्या कम टाइम में सबको चेंज करना संभव होगा। कम टाइम में कौन चेंज होगा, पूंजी चेंज होगा, लेबर चेंज हो सकता है, कच्चा माल चेंज हो सकता है, मशीन, भूमि, बिल्डिंग तो चेंज होगा नहीं। यानी अल्पकाल में समय कम होने के चलते कुछ साधनों को चेंज कर पाना संभव होता है और कुछ साधनों को चेंज करना संभव नहीं होता। कुछ चेंज हुआ कुछ चेंज नहीं हुआ तो उसका प्रयोग अनुपात तो बदल जाएगा, उसका अनुपात निकालेंगे प्रयोग का तो बदल जाएगा। ठीक है, इस तरह के उत्पादन फलन का नाम है अल्पकालीन उत्पादन फलन। फिर एक है दीर्घकालीन यानी लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड में समय अधिक होने के चलते उत्पादन के सभी साधनों को चेंज कर पाना संभव होता है। सब चेंज जाएगा तो सबका अनुपात क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए